आज जिन महानुभावों को सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उनका क्षेत्र ऐसा है कि वे न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, न दुनिया को बता सकते हैं कि क्या रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च हो जाने के बाद भी दुनिया के सामने अपनी बात खुले रूप से रखने का उनको अधिकार नहीं होता है। यह अपने आप में बड़ा कठिन काल है, लेकिन यह तब संभव होता है जब एक ऋषि मन इस कार्य से जुड़ता है। हमारे देश में हजारों साल पहले वेदों की रचना हुई, आज भी मानव जात को प्रेरणा देते हैं, लेकिन कहां किसको पता है वेद किसने लिखे हैं। वे ऋषि भी तो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक तरीके से समाज जीवन का दर्शन करते थे, दिशा देते थे। वैज्ञानिकों का भी वैसा ही होता है। वे एक लेबोरेटरी में तपस्या करते हैं, परिवार तक की देखभाल भूल करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और तब जाकर के मानव कल्याण के लिए कुछ चीज दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है। तो ऐसी तपस्या करने वाले और देश की ताकत को बढ़ावा देने वाले, मानव की रक्षा के लिए कृतसंकल्प इन सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। युद्ध के रूप रंग बदल चुके हैं, रक्षा के और संहार के सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं। टेक्नोलॉजी पूरी तरह जैसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रीडोमिनेंटली ड्राइव कर रही है, वैसे ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी है, और गति इतनी तेज है कि हम एक विषय को कंसेप्चुलाइज करें उसके तो पहले उससे दो कदम आगे कहीं प्रोडक्ट निकल आती है, और हम पीछे के पीछे रह जाते हैं। और इसलिए भारत के सामने सबसे बड़ी चैलेंज में जो देख रहा हूं वो ये है कि हम समय से पहले काम कैसे करें। अगर दुनिया 2020 में इन आयुधों को लेकर के आने वाली है, तो क्या हम 2018 में उसके लिए पूरा प्रबंध करके मैदान में आ सकते हैं? और विश्व में हमारी स्वीकृति, हमारी मांग किसी ने किया इसलिए हम करेंगे उसमें नहीं है। हम विजुलाइज करें कि जगत ऐसे जाने वाला है और हम इस प्रकार से चलेंगे तो हो सकता है हम लीडर बन जाएंगे। और DRDO ने स्थिति को रिस्पॉन्ड करना है कि DRDO ने प्रोएक्टिव होकर के एजेंडा सेट करना है, और हमने ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एजेंडा सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। लेकिन हमने स्वभाव से अरे चलो चलता है, क्या तकलीफ है। दूसरा जो मुझे लगता है, DRDO का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जितनी बधाई दे उतनी कम है। और इस क्षेत्र में लगे हुए छोटे मोटे हर कोई अभिनंदन के अधिकारी है,
लेकिन कभी उसको वैज्ञानिक तरीके से भी सोचने की आवश्यकता है। अभी मैं अविनाश जी से चर्चा कर रहा था, डीआरडीओ और डीआरडीओ से जुड़े हुए प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, इनको तो हम अवार्ड दे रहे हैं और अच्छा भी है, लेकिन शायद भविष्य में मुझे आवश्यक लगता है कि डीआरडीओ एक दूसरी कैटेगरी के अवार्ड की व्यवस्था भी सोचे, जिसमें जिसका डीआरडीओ से कोई लेना देना नहीं है, जिसने कभी डीआरडीओ से कोई काम नहीं किया है, लेकिन इस फील्ड में रिसर्च करने में उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, एज ए प्रोफेसर किया होगा, कहीं किया होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग होंगे, उनको भी खोजा जाए, परखा जाए, तो हमें एक टैलेंट जो आउट ऑफ द डीआरडीओ है उनका भी पूल बनाने के लिए हमें संभावना पैदा होगी, और इसलिए हमने उस दिशा में सोचा। तीसरा एक मेरा आग्रह है कि हम कितनी ही रिसर्च क्यों न करें, लेकिन आखिरकार चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या नवसेना हो, सबसे पहला नाता उसका आता है, क्योंकि उसी से उसका गुजारा करना है, ऑपरेट उसी से करना है। लेकिन सेना में जो जवान है, अफसर होगा, छोटा जवान होगा, वो रोजमर्रा उस जिंदगी को जीता है, काम करते करते उसके मन में भी बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जब वो किसी चीज को उपयोग करता है उसको लगता है इसके बजाय ऐसे होता तो अच्छा होता, उसको लगता होगा लेफ्ट साइड डोर खोलता है लेकिन राइट साइड होता तो अच्छा होता, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्या कभी हम तीनों हमारे दल को, जल सेना, थल सेना, नव सेना, उनमें भी जो एक्चुअली जो आज सेवा में रथ है उनको कहा जाए कि आप में कोई इनोवेटिव आइडियाज होंगे तो उसका भी कॉम्पिटिशन होगा, आप अपने काम करते, जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन में बदलाव कैसे आ रहा है, तो एक टीचर जो अच्छे प्रयोग करता है वो आगे चल करके वो आइडिया इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो आने वाली पीढ़ियों तक काम आता है। वैसे सेना में काम करने वाले टेक्निकल पर्सन है, सेवा में रथ लोग हैं, हो सकता है पहाड़ पे चलने वाली गाड़ी रेगिस्तान में न चले तो उसकी कुछ आइडियाज होंगे, हमने इसको प्रमोट करना चाहिए और एक एक्सटेंशन ऑफ द डीआरडीओ टाइप हमने इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये हम इवॉल्व करते हैं तो हमारे तीनों क्षेत्र में काम करने वाले इस प्रकार के टैलेंट वाले जो फौजी हैं, अफसर हैं, वे मैं मानता हूं ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं, या हमें स्पेसिफिक रिसर्च करने के लिए वो आइडिया दे सकते हैं, भाई इस समस्या का समाधान दो और डीआरडीओ कर सकता है, उस पर हम सोचना चाहिए। चौथा जो मुझे लगता है कि हम डीआरडीओ के माध्यम से समाज में किस प्रकार से, जैसे हम इतने साइंटिस्टों का हमने अवार्ड दिया, क्या हम देशभर में से इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली अच्छी यूनिवर्सिटीज हो उनको आइडेंटिफाई करें और एक साल के लिए स्पेशली इन साइंटिस्टों को उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करें, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इनके डायलॉग हो, उनका मिलना जुलना हो, साल में 8-10 सिटिंग हो जाए, तो वहां जो नौजवान है उनके लिए ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाए। जो सोचता था कि मैं अपनी कैरियर ये बनाऊंगा, लेकिन वो सोचना लगा अरे भाई इन्होंने अपना जीवन खपा दिया, चलिए मैं भी अपने कैरियर का सपने छोड़ दूं, मैं भी अपने आप को खपा दूं और हो सकता है वो देश को कुछ देकर के जाए। यानी हमारा काम है संस्कार संक्रमण का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, हमारा ये सामर्थ्य को कैसे हम परकुलेट भी करें, डेवलप भी करें, और ये काम हम जब तक हम ये मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी अपने एनुअल फंक्शन में किसी साइंटिस्ट को बुला ले एक बात है, लेकिन हम इनकी टैलेंट, इनकी तपस्या, उनके योगदान को
किस प्रकार से उनके साथ जोड़े तो हो सकता है कि वो बहुत काम आएगा। क्या इन साइंटिस्टों सेना के लोगों के साथ कभी इंटरफेस होने का मौका मिलता है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने रिसर्च की है, सेना के जवान को ये मिलने से एक बहुत बड़ा रक्षा का विश्वास पैदा होता है। क्या कभी सेना के जवान ने उस ऋषि को देखा है जिसने उसकी रक्षा के लिए 15 साल लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारी है? जिस दिन सेना में काम करने वाला व्यक्ति उस ऋषि को, उस साइंटिस्ट को देखेगा तो मेरे लिए इस महापुरुष ने बताया, आप कल्पना कर सकते हैं वो ऑनर का फल कैसा होगा। और इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था एक दायरे से बाहर निकाल करके जिसमें एक ह्यूमन टच हो, एक इंस्पिरेशन हो, उस दिशा में उसको कैसे ले जा सके। अगर उस दिशा में, और मैं मानता हूं अभी ये जिन लोगों का सम्मान हुआ उनकी स्पेशलिटी वाले और उनका उपयोग करने वाले लोगों एक बार मीटिंग करके देख लिया, आपको अनुभव आएगा इस फंक्शन से भी उसका इंस्पिरेशनल लेवल अनेक गुना हाई हो जाएगा। आप देख, क्योंकि वो अच्छा काम करने वाले को भी प्रेरणा देगा और जिसने उनके लिए काम किया उन जवानों को भी नई ताकत मिले, अच्छा हमारे लिए इतना काम होता है। उसी प्रकार से डीआरडीओ के कुछ लेयर बनाने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हो भी सकते, मेरा कोई उतना ज्यादा अध्ययन नहीं है। एक तो है हाईटेक की तरफ जाना और बहुत बड़ा नया इनोवेशन इसे होता, लेकिन एट द सेम टाइम रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला जो हमारा फौजी है उसकी लाइफ में कंफर्ट आए, ऐसे साधनों की खोज, उसका निर्माण, ये कैसे हो सकता है? आज अगर उसका वाटर बैग 300 ग्राम का है तो उतना ही अच्छा वाटर बैग 150 ग्राम का कैसे बने ताकि उसको वजन कम होना पड़े। आज उसके जूते इतने वेट के हैं, पहाड़ों में ये तकलीफ होती है, रेगिस्तान में ये तकलीफ होती है, तो इसमें रिसर्च कौन करे? क्या कभी जूते बनाने वाली कंपनी और डीआरडीओ का इस काम करने वाले लोग, इनका कभी इंटरफेस होता है? वे रिसर्च करके देते हैं। यानी डीआरडीओ को एक लैब से बाहर निकल करके और जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आप देखिए हम इतना इनोवेशन के साथ हमारे लोग आएंगे, इतनी नई चीजें देंगे जो हमारे सेना के जवानों के लिए बहुत ही कंफर्ट, ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करा सकता है, बहुत लाभ कर सकता है, उस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है क्या? एक और विषय मेरे मन में आता है, आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबोरेटरी भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रही है, क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में, हर हम एक डिसीजन लें कि 5 लेव ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा, सबके सब बिलो 35। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं देश के टैलेंट में दम है, वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। अब आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं मानता हूं वो 20-25 साल का नौजवान बहुत अच्छे ढंग से करके दे देगा हमें, क्योंकि उसका 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 विकास ही उस दिशा में हुआ है, उसको तुरंत चीजें ध्यान में आती है। क्या हम 5 लैब टोटली डेडिकेटेड टू बिलो 35 एज ग्रुप और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आखिर तक 35 के नीचे के लोगों के हाथ में दे दी जाए? हम रिस्क लें, हमने बहुत रिस्क लिए है, क्या है? एक रिस्क और ले लें, आप देखिए एक नई हवा की जरूरत है, एक फ्रेश एयर की जरूरत है, और फ्रेश एयर आएगी हमें लाभ होगा। डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के हमने सामान्य हमारे स्टूडेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। क्या कभी हमने सरकार के द्वारा, स्कूलों के द्वारा साइंस फेयर होते हैं, बहुत होते हैं, क्या कभी उनको ये कहा कि ये साइंस फेयर 2015 का विल बी डेडिकेटेड टू ऑनली द डिफेंस रिलेटेड इश्यूज? सब नौजवान खोजेंगे भाई, अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, टीचर भी इंटरेस्ट लेगा, तो डिफेंस में क्या क्या होता है स्टडी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेंगे,
लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को डिफेंस साइंस में एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस रिसर्च एक काम है, उसके सोचने की खिड़की खुल जाएगी। हो सकता है एक लाख में से दो चार ऐसे भी निकल आए जिनको मन कर जाए यार इसको हम कैरियर बना लें। हमने देखा है कि आजकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक ग्लोबल रोबोट ओलंपिक होता है, नेशनल लेवल का भी होता है। क्या हम उसको स्पेशली डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके ये रोबोट कंपटीशन ओनली डेडिकेटेड टू डिफेंस। आप देखिए ये जो नौजवान रोबोट के द्वारा फुटबॉल खेलते हैं, रोबोट के द्वारा क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसमें मजा भी लेते हैं, उसका कंपटीशन भी होता है, लेकिन उसको टू स्टेप अहेड थ्री स्टेप अहेड हमें उसके चीजें कर सकते हैं। एक नए तरीके से नए सोच के साथ और सभी लोगों को जोड़ करके हम इस पूरी व्यवस्था को विकसित करें। और साथ साथ समय की मांग है, दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, हमें ही समय से पहले दौड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम जो भी सोचें जो भी करना चाहिए जी जान से जुट करके समय से पहले करने का संकल्प करें, वरना कोई प्रोजेक्ट कंसीव हो गया 1992 में और 2014 में अभी हाँ अभी थोड़े दिन लगेंगे तो ये दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी। और इसलिए आज जब डीआरडीओ से संबंधित सभी प्रमुख लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला है, इतना उत्तम काम किया है और पोटेंशियल है। लोग कहते हैं कि मोदी जी आपकी सरकार से अपेक्षाएं बहुत है, जो करेगा उसी तो अपेक्षा होती है, जो नहीं करेगा उसे कौन अपेक्षा करेगा। तो डीआरडीओ से भी तो मेरी अपेक्षा क्यों है, मेरी अपेक्षा इसलिए है कि डीआरडीओ में करने का सामर्थ्य है, ये मैं भली भांति अनुभव करता हूं। आपके अंदर वो सामर्थ्य और आपने करके दिखाया है और इसलिए मुझे विश्वास है आप उसको कर सकते हैं। फिर एक बार सभी वैज्ञानिक महोदयों को देश की सेवा करने के लिए उत्तम योगदान करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। आई नाउ रिक्वेस्ट एसए टू आरएम टू प्रेजेंट अ मेमेंटो टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and to the Honorable Raksha Mantri, a memento to mark the start of a long and fruitful association as Minister of Defence. And to the Honorable Raksha Rajya Mantri, an old friend of DRDO.